हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमारा एमएसयू के अंदर एग्जाम्स चल रहे थे और आज है उसका लास्ट दिन, तो मोस्ट प्रोबेबली आज एग्जाम्स खत्म होते हैं हम लोग घर चले जाएंगे। और अभी बज रहे सुबह के 6:15 और एक तरीके से सुबह जल्दी जागना पड़ा था क्योंकि बुक लिख कम्प्लीट करनी है एक, और अगर वो चेक हुई तो आज घर जाएंगे, नहीं तो कल घर जाएंगे। तो अभी वही लिखने बैठे हैं और आज हमारे साथ एक और नई शख्सियत है। दिस इज ब्रदर ऑफ यश। इफ यू अगर आपको पता नहीं है कि यश कौन है तो मैराथन वाला ब्लॉग जाके देखो, उसमें पता चल जाएगा। और ये उसका ही छोटा भाई। अरे भाई मेरे को फीचर मत कर। और इसका नाम भी सेम एज मेरा नाम है, इसका नाम भी प्रिंस है। यो साला, मेरे को तो यूट्यूब को वो पता ही नहीं क्या कैसा पोज मारने का। आदमी सुबह सुबह उठाए व्लॉग खोल देता है यार, बात थोड़ी हुई। तो यही हमारा छोटा सा एक रूम है, उसके अंदर अभी ये भी आ जाता है। बंगला बोल देना, बंगला बंगला। अभी देखो, एक जन इधर इस पे सोता है, ये नीचे ही है उड़ने का था, वो बिछा के सो रहा है। हमारे स्ट्रगल का दिन, स्ट्रगल बाय स्ट्रगल, स्ट्रगल ये ना। इसके पास नीचे रूम है पर ये इधर रहता है। नीचे अंकलों के साथ कौन सोएगा। तो अभी हम पहले लिख लेते हैं, तभी आपको रात को मिल, मतलब बाद में मिलेंगे, नहीं तो फिर कल घर नहीं जा पाएंगे ना आज। ठीक है, चलो अभी लिखने दीजिए। अभी घड़ी में बज रहे हैं 7 ऑलमोस्ट, और जो मेरा लिखने का काम था वो होपफुली खत्म हो गया। पता है हमको तो दिल्ली से। तो अभी ये हो चुका है, तो आज हम घर जरूर जाएंगे। ऑल द बेस्ट। तो इसमें क्या एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट ना, घर जाने के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम का क्या है, लड़की की तरह है, आती जाती रहती है। तो अच्छे से रहियो, हम नहीं है तब तक। ऐसा क्या कर लूंगा मैं स्टेज में। तो अभी ये सब हो गया और अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे मस्त नहा धो के चाय नाश्ता करने। मीत उधर पीछे नहाने। अरे मीत ये क्या निकल रहा है तेरे मुंह से। अरे वो ब्रश कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैं कहूँ मीत को क्या वो बाथरूम है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे यहीं पे पास में घी लॉट करके, उधर वो चाय और मस्कावन। क्या कौन सा लॉट, जब जाएंगे तब देख लियो भाई। कैसे कैसे नाम आ रहे हैं घी लॉट पर, अब नाम ही है दुकान का। मैं नहीं जाऊंगा ऐसी गंदी दुकानों में। तो कहाँ है अपन, गे लॉर्ड है, फाइनली वी आर एट गे लॉर्ड। या हम मतलब यहाँ पे जो है चाय और वन मस्का गोल्डन टी। गोल्डन टी, यस करेक्ट। और तेरे को भी पिलाते आज गे लॉर्ड की चाय। चलो अंदर तो चलो, इधर तो खाने का निपट गया, बाद में रिव्यू लेंगे इससे क्योंकि इसने इधर का पहली बार खाया है। है मास भाई, मास मेरी किडनी में गुदगुदी हो गई। अब बता कैसा लगा उधर का। यार मैंने तो बहुत एक्सपेक्ट किया था वड़ा पाव। तूने वड़ा पाव गलत जगह का खाया था, एक्सपेक्टेशन बिगड़ेगी ना। कोई बात नहीं, लाइफ का फर्स्ट टाइम था मेरा वड़ा पाव, जीवन का पहला पाव। दैट वाज ओके, या इट वाज नॉट टॉप नॉच। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मित, बर्गर पाव बर्गर खाने। सुबह कितनी बज रही है, सुबह 8 बजे। 8 बजे, 8 बजे बर्गर खाएंगे। भाई अब पैकिंग वैकिंग हो रही है। हाँ घर जाना है। हाँ घर ही तो जाओगे, और कहाँ जा पाएगा तू। इसका क्या मतलब था, घर ही तो जाते हैं यार सब लोग। क्या मीत मीत ब्रो, सही बात, एकदम पक्की बात है। अब तू कहीं और जाना चाह रहा हो तो तेरी इच्छा है। हाँ जाना है ना, कहाँ जाएगा, कॉलेज एग्जाम देने के लिए कॉलेज। अरे उसके लिए बैग पैक थोड़ी करता है कोई। हॉल टिकट भूल गया तो साले, हॉल टिकट क्या 10-20 किलो का जो बैग बैग में रख के जाएगा एकदम। पैकिंग भाई, घर जाने की एक्साइटमेंट ही अलग होता है। वो सिर्फ 2-3 दिन का, उसके बाद भागने को वापस मन करता है। नहीं नहीं, घर पे आराम करने का मिलता है ना, जब हॉस्टल साथ में बाहर से आते ब्रो। वो सिर्फ 1 हफ्ते की होती है, उसके बाद चल बे चल दूध दूध लेके आ, बहुत वो तोड़ लिया पलंग। 1 हफ्ता नहीं, वो तो सिर्फ 10 मिनट का होता है, उसके हाँ। बाद काम तो दे देंगे। हाँ। वो सिर्फ 10 मिनट का होता है कि काम नहीं मिलेगा। सही बात, बाकी क्या क्या लेते हैं। हो गया तेरा, चल तू भी पैकिंग करने आ जा। अब किसकी, कहाँ कहाँ से कपड़े निकल रहा है। जहाँ जहाँ डालोगे वहीं वहीं से तो निकलेंगे। तेरा आजू बाजू भी शायद मिल सकते। नहीं नहीं, आजू बाजू नहीं है मेरे। पूरी बाबा सब्जी, तो हमारा आज का खाने में है ये रोटी है, ये सब्जी है फूल गोभी का, और ये दाल चावल है,
और ये खा के हम एग्जाम देने जाएगा, जाएगा ना? बंद हो गए थे, अब बताइए जाएंगे ना? अरे बिल्कुल जाएंगे। अरे यार ये फोन ही नहीं उठा रहा। और ये है यश, प्रिंस का भाई, और ये हमारी क्लास में पढ़ता है। आज एक लास्ट पेपर है। हाउ यू फीलिंग यश? पता है तू दिल्ली से, कैसे क्या लग रहा है? आज आखिरी पेपर है। तू है ना साले खाली पागल बना, सब पढ़ के बैठा है बट बोल रहा है कुछ नहीं किया है। अभी एक दो घंटे पहले स्टार्ट किया था। सब आता है तो एक दो घंटे पहले शुरू हो गया था, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा वो तो रिजल्ट देख के पता है। तो ऑनलाइन एक नजर मारनी और सब सिलेबस खत्म। यश का तो हाँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पीजी से और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा कॉलेज कैंपस की तरफ। और आज लास्ट पेपर है, तो आज पेपर अच्छा जाए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं जाए तो जा ही रहा है पेपर आगे। तो फिर आज का पेपर ख़त्म होते ही हम लोग सीधा घर निकल लेंगे, और वहाँ पे पहुँच के पहले आपको सब स्टूडेंट्स का हाल दिखाएंगे। लास्ट पेपर है तो खुश होंगे, लेकिन नहीं आता होगा तो दुखी भी साथ में ही होंगे। तू क्यों दुखी है भाई? मेरे को कुछ नहीं आता, 0%। झूठा साला, मैंने कल ही पढ़ा ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। सबसे ज़्यादा झूठ है ना क्लास में, ये अकेला बंदा बोलता है कि कुछ आता नहीं है फिजिक्स में। अगर ये बोलते फिजिक्स में कुछ नहीं आता है तो समझो फिजिक्स ख़त्म है। देख 4 CGPA से ऊपर आगे तो रफ की कह रहा है। 4 CGPA है। हाँ। कृष्णा और यश क्या फलक? हाँ बट तेरी शादी तू बुलाएगा तो करूँगा ना यार, मैं मना कर रहा हूँ क्या? हाँ फिर बाद में मत बोलो, शादी जीवन की बर्बादी। तो क्या कहना है आपके आखिरी पेपर पे? रख दे उसको, क्यों डिक्ली कर रहा है? कृष्णा कृष्णा बोलिया कर नहीं ऊपर वालों फलक बोलो पालक, कैसा लग रहा है आखिरी पेपर पे? ये जो बोला ना इसमें सुनाई नहीं देगा, पर बहुत खतरनाक बोला है। आँख से पानी निकल रहा है ऐसा कह रहा है। तो रो क्यों रहा है? पर तरफ का है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स अंदर, और ये है कुछ अंदर MS का सीन नज़ारे सारे, और वो तरफ हमारा वहाँ पे लगता है कि किसका पेपर वगैरह है वो सब। और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मेरी बुक चेक कराने, जो कल रात भर बैठ के लिखा था ना वो चेक भी कराना है। तो सर वहीं आगे उसी तरफ मिलेंगे, तो जाके एक बार बुक है जो ये है चेक करवा देते हैं। ये है, ये तो पढ़ने का आज चेक हो गई, फिर सीधा घर निकल लेंगे। सर का कैबिन तो ये रहा लेकिन लॉक है, तो सर आएंगे तब तक मैं यहीं नीचे बैठता हूँ और आज का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूँगा, उसके बाद सर आएंगे तो चेक करा लूँगा। तो कुछ इस तरह का हाल रहता है MS के अंदर। और अभी ये सारा जो भीड़ है ना, अभी सब लोग वहाँ पे लगेगा बोर्ड जिस पे होगा सबके सीट नंबर अलॉटेड, और वहाँ पे होगी फुल भीड़। और ये रही अपनी पार्टी, इधर हो गई चेक। यस लॉगिन कर रहा है? हाँ नहीं नहीं फिर ऐसा करेगा तो मुझे और मज़ा आएगा, पता है? सारे लोग कैसे इधर भीड़ बना के खड़े हैं, सब लोग अपना सीट नंबर देख रहे हैं। उस तरफ अलग भीड़ लगा है और हमारा डिपार्टमेंट उस तरफ को है, तो हम चलते हैं क्योंकि हमको हमारा सीट पता चल गया। ए भाई साहब क्या कोइंसिडेंस हो रहा है कि पहला और आखिरी पेपर है ना सेम जगह पे देने जा रहे हैं, 50 मार्क का ही देने जा रहे हैं और 2 घंटे का ही पेपर है। मज़ा और यही पेपर है जो दूसरा अच्छा जा रहा है, वन ऑफ द। अब वो अब पेपर एग्ज़ाम आएगा तब मालूम चलेगा, बाकी मालूम नहीं है। एग्ज़ाम का सिटिंग अरेंजमेंट मैं इधर मीत उधर, परितोष हर बार मेरा आगे रहता है, पर ये बेंच टूटा हुआ आ गया ना इसलिए परितोष पूरा एक बेंच का डिस्टेंस हो गया। नहीं अरे ब्लॉगिंग चल रही है क्या? कैसी है तैयारी? बस पढ़ लिया। बाल सेट करने जरूरी? लास्ट पेपर है, खुशी तो होगी? नहीं यार मेरा केमिस्ट्री है। हाँ तेरा क्या है? वो तेरी दिक्कत है, तेरा स्टैट भी तो नहीं था ना, हमने स्टैट में दिया है ना अभी एक हफ्ते में। कृष्णा तू हमारे साथ है? हाँ मैं इधर। झाझा नहीं खबर पड़ी, एक वस्तु बताऊ मारी जगह आई डी है अहिया अमित। तू समझ जो आ बेंच नहीं होते, परितोष अहिया, अहिया मैं, अहिया अमित,
सी व्हाट द लक इज वेरी बैड सारी सीनरी चाल मार मेरे को साथ अच्छा अरे पर बाहर नाला भी तो है ना नाला जैसा नाला नहीं दिखेगा ना अच्छा चले तो पढ़ रहा है अभी भी वो देख रहे हो वो है नाला जिसका हम बोल रहा था क्या इट्स अरे बोलो है शर्मा रहा है हमारी जो एग्ज़ाम थी वो चुकी है ख़त्म और ये है हमारे रील भाई इनको भी आपने ब्लॉग के अंदर देखा ही होगा पुराने जो मैराथन वाले ब्लॉग थे उसमें भी इनका इंट्रोडक्शन कराया था डाला था ना मैंने पहले बुला रहे थे आप सुन नहीं रहे थे हाँ तभी मैंने सबका इंट्रोडक्शन किया था और उन्होंने सोलर साइकिल बनाई थी सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाली साइकिल हमारी क्लास का वैसे तो इन्होंने क्या नील भाई अपनी दोस्ती है तो सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाली साइकिल इन्होंने बनाई थी और अभी नेशनल लेवल पे गया था ना नेशनल लेवल के साइंस फेयर में भी जाके आया और वहाँ पे मज़ा आ गया एकदम मचा क्या है नेशनल लेवल पे जीत गया अभी इंटरनेशनल किधर पक्का कंफर्म हो गया अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे को भी अभी पता चल रहा है अच्छू हमारे नील भाई को खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेशन और देखो भाई ये अमेरिका जा रहा है हम तो अभी छोटा आदमी हो गया है भाई हमारे तो लिए कुछ लेके ये भी ब्लॉग्स अगर बनाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा वो भी देख लेना हमको भी अमेरिका घुमा देगा इंडिया में बैठे बैठे और इसकी सोलर साइकिल अगर आपको जैसे तीन जगह अमेरिका जर्मनी जापान तो जर्मनी जाना ना जर्मनी सरकार तो उसका आ गया उन तीन प्लेस में से कहीं जाना अच्छा अच्छा हमारी तैयार रखने अब एग्जाम कैसा गया लास्ट डे था हाउ वाज योर फीलिंग बहुत बड़े एग्जाम मजा कड़क ब्रेस टू एंड एग्जाम दिया नील ने है ना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नील ने छोड़ा हो सारे कर गया है हैं हाँ ये कैसा गया पेपर बहुत अच्छा लास्ट वाले पेपर ही सबके बहुत सही जा रहे हैं बाकी सब में सब बोल रहे हक दिया अरे थिएटर में तुम्हारे पेपर कैसे गए अच्छा भाई जोर से बोला यार अच्छा ही गए पहला और आखिरी अच्छा गया क्योंकि दोनों 50 मार्क के थे है ना पहला आखिरी सबका अच्छा जा रहा है 50 मार्क के थिएटर में हीरो की एंट्री और क्लाइमैक्स वही सबसे बेस्ट हाँ बस एकदम सही बात कह दी मीत अच्छा अभी सब में से एक जनी है जो धन धन लिख रहा है वो आ गया ये रहा ये कब से पता नहीं बैठा बैठा तू क्या इंटीग्रेट कर रहा था अरे एग्जाम में बैठा बैठा है तो कुछ नहीं करा भाई कैसा गया पेपर मतलब तू हर पेपर के बाद आके ये बोलता है एकदम खराब ये शब्द तेरे सिर पे लिखा है पढ़ा था क्या कर ये बना रहा है वो शब्द अपने को तुझे लगता है एक घंटे क्या करा होगा एक घंटे तूने डेढ़ घंटे क्या करा है मुझे नहीं दिख रहा था वो बहुत लिख रहे थे अरे तो लिखने के लिए क्या कुछ भी लिख दो थैंक यू रोले थोड़ा अच्छे से नहीं रुक जा घर जाके सो जाइयो आंसू मत निकाल अभी किसी और के लिए बहाना ठीक है तो अभी हम लोग पहले नाश्ता का कुछ जुगाड़ करते क्योंकि घर जाने वाले हैं तो रास्ते में कुछ खाने पीने का चाहिए रहेगा उसका जुगाड़ करके फिर आज कन्फर्म अभी घर पे चले जाएंगे बुक तो जो था वो चेक हो चुका है तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर को आ रहे सभी मित्रगण को हम टाटा लीला बाइक कह के तो आ चुके हैं और अभी हमको जाना है डोसा खाने कॉलेज के सामने ही मिलता है एक मस्त डोसा तो डोसा खा पी के थोड़ा नाश्ता पार्सल करा के हम लोग सीधा निकल जाएंगे बस स्टेशन और वहाँ से अपना खाना पीना लेके निकल जाएंगे एग्जाम खत्म टेंशन खत्म ये है हमारा मैसूर डोसा हम दोनों ने एक एक डोसा मंगाया और यहाँ से हम लोग ले लेंगे बाद में समोसे और बाद में रास्ते में जाते टाइम समोसे से काम चल जाएगा तो ये तब तक का नाश्ता काम कर देगा हमारा अभी जो ये है वो हमारे कॉलेज के सामने एक बाज़ार है कुछ इस तरह का तो वहाँ पे मिलते हैं समोसे और वहाँ से हम लोग अभी यस ये रहे समोसे तो ये समोसे लेके अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं स्टेशन और वहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे बस में बैठ के घर के लिए और बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड कर लिए मूवीज़ वगैरह रास्ते में देखने के लिए तो मज़ा आएगा बस में क्योंकि आराम ही करना है एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए दिक्कत अब सारी गई अब कोई जीवन में टेंशन ही नहीं है तो आज का ये ब्लॉग मैं बोल रहा हूँ यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बेफालतू में खींचना नहीं है घर जाके नए ब्लॉग्स दूंगा ना अच्छे वाले और दूसरे भी तरह के शायद वीडियोस आ सकते हैं तो उनके लिए बने रहिए कीप लविंग एंड कीपिंग ऑसम आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन बाय